हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैम्प पैटर एकेडमी। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन में देखेंगे जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। तो किसी भी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट को लिफ्टिंग और शिफ्ट करते समय हमेशा बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम कोई भी गड़बड़ी करते हैं ना सामान को हटाने या कहीं पे भी शिफ्ट करने के दौरान, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिगर देखिए, जैसे कि एक व्यक्ति है, इन्होंने बहुत सारे बॉक्सेस को कैरी किया, ठीक है, और ये बॉक्स जो है ना उनके फेस से ऊपर है, मतलब उन्हें आगे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। वो जाएंगे तो आगे किसी चीज़ से टकराए तो उनका एक्सीडेंट होना तो होना ही है, और अगर सामान अनबैलेंस हुआ ना तो भी ये गए। दूसरा, जैसे इस व्हीकल के द्वारा, मतलब दो व्यक्तियों के द्वारा सामान जो है उसको लिफ्ट किया जा रहा है और कहीं पे शिफ्ट किया जा रहा है, इसके बीच में अगर उन्होंने सही प्रिकॉशन नहीं लिया सामान को हटाने से लेकर के शिफ्ट करने तक का, या फिर सही बॉडी पोस्चर नहीं अपनाया ना, तो यहाँ भी घटना होना निश्चित है। हम देख लेते हैं इसके बाद कॉजेस ऑफ इंजरी, चोट लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। चोट लगने के कारण सबसे पहली बात कि कोई भी अगर हम भारी वस्तु उठा रहे हैं तो वहाँ पे चोट लगने का सबसे बड़ा कारण वहाँ बन सकता है, अगर हम उस वस्तु को गलत तरीके से उठाएं तो। और इसके अलावा बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कार्य सही ना होना, सामान की क्षति, वक्त की खपत ज़्यादा। अगर आप किसी भी सामान को लिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, और उसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका काम तो सही होगा ही नहीं। सामान में जो फोल्ड हुआ वो तो होना ही है, वो उसका क्षति हुआ वो अलग, उसको तो कोई बात ही नहीं है। और वक्त की ज़्यादा खपत, किसी भी चीज़ को अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उसको करने में आपका टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जान भी जा सकती है, और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, जान है तो जहान है। हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, टाइप ऑफ इंजरी। ठीक है, इंजरी के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, कितने सारे टाइप होते हैं। मेनली तीन टाइप होता है जिसको सिंपली भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, कटना और खरोच लगना। किसी भी किनारे से अगर आप टकरा गए, लग गया, कट गया, खरोच लग गया, ठीक है। दूसरा, पैरों और हाथों का कुचल जाना, कोई भी भारी वस्तु उठा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दिए, सही तरीके से नहीं उठाए, आपका पाँव उस भारी वस्तु के नीचे आया या हाथ आया, वस्तु गिरा और आपका हाथ कुचल गया। एंड तीसरा, जोड़ों तथा मांसपेशियों में तनाव, अगर आप किसी भी सामान को सही तरीके से नहीं उठाइएगा, उसे गलत ढंग से उठाइएगा, तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना उन सब में तनाव आ सकता है, और मांसपेशियों में भी तनाव आ जाएगा, तो इन सब चीज़ों का आपका सामना करना पड़ सकता है। किसी भी चीज़ को उठाते वक्त हमेशा ध्यान से उठाना चाहिए, या फिर किसी भी कोई भी चीज़ सही तरीके से करना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्क हो, ठीक है। सेफ्टी मेथड देख लेते हैं इंजरी का। अगर आपका जो कट गया है या क्रोच लग गया है तो वो कहाँ से लगता है, कोई भी किनारा होगा बेसिकली, जहाँ पे जो होता है क्रोच लगने का जो मेन कारण होता है वो किसी किनारे से होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए या फिर सेफ्टी प्रिकॉशन अपनाइए आप, और आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आपका हाथ कट गया तो, ठीक है। अगर जैसे कि पाँव का कुचल जाना, हाथों का कुचल जाना होता है, उसमें आप किसी भारी वस्तु को उठाएं और आप सही तरीके से नहीं उठाए, वो वस्तु गिर गया, या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं आप, किसी भी इंडस्ट्री में, अपने घर में ही कहीं भी कर रहे हैं और भारी वस्तु के अगल बगल आप काम कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से अपना बॉडी पोस्चर नहीं रखें, आपका पार्ट, शरीर का कोई भी अंग अगर उस वस्तु के नीचे चला गया या फिर साइड में कहीं भी चला गया, तो आपका हाथ पाँव कुचल सकता है। उसके लिए आप सेफ्टी शूज का भी यूज कर सकते हैं। तीसरा आता मांसपेशियों और जोड़ों में तनाव, ठीक है। ये तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण वही, किसी वस्तु को उठाने का ढंग सही होना चाहिए, और कोई भी भारी वस्तु को उठाते वक्त तो हमेशा एक दो व्यक्ति को साथ में रखना ही चाहिए। आप हमेशा पहले चेक कर लें कि वस्तु कितना भारी है, आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपना बॉडी पोस्चर जो है वो सही तरीके से रखें। अगर मान लीजिए आप किसी भारी वस्तु को उठा रहे हैं, ब्लॉक्स वगैरह जो होते हैं ना इंडस्ट्री में, उन सबको उठा रहे हैं, लोहे का किसी पार्ट को उठा रहे हैं, तो अपना पाँव जो है वो सही तरीके से रखिए, घुटने को ज़्यादा झुकाइए नहीं, सिर को ज़्यादा नहीं झुकाइए उस वस्तु के आगे, वरना आपके सर में भी चोट लग सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आगे जा करके हम देख लेते हैं। हम देखेंगे इसके बाद प्रिक्वेशन बिफोर लिफ्टिंग और शिफ्टिंग एंड लोड्स, मतलब प्रिक्वेशन क्या क्या लेना है हमें लिफ्टिंग और शिफ्टिंग करते समय, ठीक है, किसी भी लोड का। पहला, किसी भी भारी वस्तु को उठाते वक्त या उसका स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे चेक कर लेना चाहिए, भारी वस्तु है तो किसी व्यक्ति की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, उस
जो भी वस्तु है उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए, उसका परमानेंट जो पोजीशन है वो, कि हम वर्तमान पोजीशन में उसको कैसे देखे हैं, कैसा है, सही है या नहीं है। ऐसा नहीं कि हम किसी गैस सिलेंडर को ले जा रहे हैं, वो भी एक वस्तु चीज हुआ, अगर एग्जाम्पल के तौर पे कि हम किसी गैस सिलेंडर को ले जा रहे हैं और वो लीक हो रहा है, रास्ते में जाते जाते पता चला वहीं ब्लास्ट हो गया, आग लग गया, कुछ भी लग गया, तो इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। करेक्ट बॉडी बॉडी पोस्चर, हमें अपने बॉडी पोस्चर को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पैर, अगर हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं ना, भारी वस्तु को, तो हमारे पाँव और जो भारी वस्तु है उसके बीच में 18 इंच 45 सेंटीमीटर की दूरी हमेशा रखना चाहिए। घुटने, ज़्यादा घुटने को झुकाना नहीं है, उसको भी सही तरीके से रखना है। पीठ, पीठ अगर आगे की ओर झुका रह सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सीधा, ये नहीं कि पूरा झुक गए, सीधा रहना है। कोहनी हमेशा अंदर रखें, जो हाथ में कोहनी वगैरह होती है, सिर को भी सीधा रखें। देख लीजिए आप फिगर के हेल्प से, यहाँ पे किसी भी चीज इसमें क्या किया है ना, पीठ को झुका हुआ है लेकिन सीधा रखा गया है, एक होता है ना पूरा बेंड हो जाना, वो बेंड नहीं है। किसी वस्तु को उठाए तो सर को हमेशा सीधा रखिए और पीछे की तरफ मतलब रखिए वस्तु से, ऐसा नहीं वस्तु के आगे झुका दीजिए। घुटना जो है वो उसको झुकाइए, लेकिन किसी वस्तु को जब उठा रहे हैं ना तो एक लिमिट होता है, उसके अनुसार आप यहाँ पे देख लीजिए फोटो की हेल्प से। हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा प्रिक्वेशन, विल लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग और इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। अगर हम किसी भी उपकरण को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, वहाँ तक तो सामान की बात हुई, जो हम लोग यूज़ करते हैं इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट का शिफ्टिंग के लिए, उसमें हमें देख लेना चाहिए कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है वो वायर कनेक्ट तो नहीं है बोर्ड से, और उसका एवरी एंगल भी चेक कर लेना चाहिए, हर एंगल से उसे देख लेना चाहिए, उसका प्रेजेंट जो लोकेशन में वो कैसे किस तरह से रखा हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका भार चेक कर ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजरी होने का यही कारण है भार, भारी वस्तु को अकेले उठाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।